जय श्री सीताराम। कभी हम जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भी कष्ट में देखते हैं, दुख में देखते हैं, जिनके जीवन को यदि देखा जाए, जिस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, तो यही लगता है कि ये लोग तो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़ा धर्म कर्म करते हैं। भजन कुछ करने वाले हैं तो उनका भजन देख के भी लगता है कि उनका भजन तो बहुत अच्छा है, फिर भी दुखी क्यों है? यदि देखा जाए तो जाने अनजाने हम सभी से कुछ ना कुछ ऐसे पाप कर्म बन जाते हैं जो हमारे द्वारा ना होने के बाद भी हमारा ना ही तो उनके करने में कोई सहयोग रहा, ना ही उनके होने में कोई सहयोग रहा, लेकिन फिर भी उनका पाप हमें लग जाता है। और वही पाप फिर किसी न किसी स्वरूप से हमें शरीर के द्वारा भोगने पड़ते हैं। पापों में सबसे बड़ा जो पाप माना जाता है तो माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? तो शंकर जी कहते हैं माता पार्वती से, पर निंदा सम अघनगिरी सा। पर निंदा, दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है। पर निंदा सम अघनगिरी सा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे के बारे में कुछ कह नहीं सकते, कह सकते हैं, लेकिन जब आप उसके बारे में बिल्कुल निश्चित हों कि हाँ ये है और ये काम इसने किया है। पर निंदा सम अघनगिरी सा। जैसे रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज गए, अंगद जी गए, तो रावण की निंदा करी ना, चोर है, लंपट है, पापी है ना, निंदा करी। लेकिन तब की जब वो जानते थे कि हाँ ये ऐसा है, और उसके उद्धार के लिए, उसे राम जी की शरण में लाने के लिए, लेकिन जब कोई भी बात स्पष्ट ना हो, फिर अपने मनोभाव से किसी के ऊपर आक्षेप लगा देना, किसी की निंदा करना, तो उसका पाप कर्म हमें ही भोगना पड़ता है। एक बार एक राजा कुछ ब्राह्मणों को महल के आंगन में भोजन करवा रहा था, और राजा की जो रसोई थी वो आंगन के ही एक कोने में, खुले में रसोई है, वहां पे भोजन पका रहा था। उसी समय क्या हुआ, एक चील आकाश मार्ग से एक सर्प को लेकर राजा के महल के ऊपर से निकली। अब चील के पंजों में सर्प दबा हुआ था। उस सर्प ने क्या किया, आत्मरक्षा के लिए कि चील से मैं बच जाऊंगा, अपने फन से कुछ जहर चील के ऊपर छोड़ा, है ना, फुंकार मारी चील के ऊपर। अब वो जो जहर निकला उसके फन से, वो चील के ऊपर तो गया नहीं, वो जो रसोईया राजा के आंगन में भोजन पका रहा था उसकी रसोई में, उसके पकवान में जाके वो जहर गिर गया। अब इसका किसी को कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ फिर, इसके फल में वो जो ब्राह्मण जितने आए थे सब भोजन करने के लिए, तो अब भोजन तो विषैला हो गया, उस विषैले भोजन को खाते ही उन सबकी हो गई मृत्यु, सबका शरीर शांत हो गया। अब जब राजा को उन सभी ब्राह्मणों की हत्या का पता चला तो राजा को लगा कि ये तो ब्रह्महत्या हो गई, उसको बड़ा दुख हुआ। अब जब ब्रह्महत्या हुई तो ऊपर यमराज बैठे थे, अब यमराज सोचने लगे वहां पे, जब चित्रकूट ने कहा कि महाराज ये पाप हो गया है, अब इस पाप को किसके खाते में लिखा जाए। भाई चित्रकूट के पास तो सबका लेखा जोखा है ना, तो चित्रकूट ने कहा कि महाराज ये केस बड़ा बिगड़ गया है। तो यमराज ने कहा कि क्या हुआ, तो चित्रकूट ने पूरी बात बताई, तो ये बताइए अब इस पाप का फल किसके खाते में मैं लिख दूं।
राजा है उसे तो पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया। रसोईया है उसे पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय कहाँ से जहर आके गिर गया। चील वो जो जहरीला सांप लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरी वो इसमें दोषी है, या फिर वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में उस जहर को अपने जीवा से निकाला फूंकार मारी वो दोषी है। अब बहुत समय तक ये महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे बैठे मंत्रणा करते रहे कि किसके खाते में लिखा जाए, ये पाप हुआ है तो किसी के खाते में तो लिखना चाहिए, तो किसके खाते में लिखा जाए। कोई निर्णय नहीं निकल पाया, सब बड़े ही असमंजस में होकर क्या किया जाए क्या किया जाए। यजमान ने कहा कि ठीक है अगली तारीख के लिए पोस्टपोन करते हैं, अगली तारीख को सुनवाई होगी। इसी प्रकार बहुत दिन तक ये मामला इसी प्रकार से यमराज की जो फाइल थी उसमें अटका था। फिर कुछ समय पश्चात कुछ ब्राह्मण उस राजा से मिलने के लिए उस राज्य में आए जिस राज्य में ये हुआ था। कुछ ब्राह्मण बाहर के राज्य से, कि राजा जब भी संतों की जमात ब्राह्मणों को देखता था तो बड़ा आदर सत्कार करता था, प्रसाद पाता था। तो कुछ ब्राह्मण बाहर के नगर से राजा के पास आए, तो जब राज्य में आए तो उन्हें एक महिला मिली मार्ग में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से राजमहल का रास्ता कहाँ है। तो उस महिला ने राजमहल का रास्ता सीधा सीधा बता दिया कि ये राजमहल का रास्ता जा रहा है। अब रास्ता तो उसने बताया, रास्ता बताने के साथ में ब्राह्मणों से कहा कि देखो भाई जरा ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर दे के मार देता है। इधर यमराज क्या मीटिंग चल रही थी, क्या करें क्या करें, अगली सुनवाई अगली तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख वो हो गया, सुनवाई चल रही थी। अब जैसे ही उस महिला के मुख से ये शब्द निकले उसी समय यमराज ने कहा बस दोषी मिल गया, फैसला ले लिया गया। उन जितने जो मृत ब्राह्मण है ना उनकी मृत्यु का जो भी पाप बनता है वो उस महिला के खाते में चढ़ा दो, अब इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। पर निंदा सम अग्नगिरी सा, निंदा कर दी हो गया काम। अब यमराज के दूतों ने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों भाई, उन जितने भी ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु में उनकी हत्या में उस महिला की तो कोई ऐसी भूमिका थी नहीं, कोई किसी प्रकार से निमित्त तो बनी नहीं। तो यमराज ने कहा कि देखो जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, सुख मिलता है ना, मनुष्य सुख के लिए तो सब कुछ करता है। लेकिन उन ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना उस रसोई को आनंद मिला, ना उस सांप को कोई आनंद मिला, और ना ही उस चील को कोई आनंद मिला, उनका तो कोई हेतु था नहीं। लेकिन उस पाप कर्म की घटना का जो भी वृत्तांत था उसको ना जानकर उसकी बुराई करने के भाव से उस महिला ने जो बखान किया उससे उस महिला को आनंद मिला। अरे ये राजा तो है ही ऐसा, उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक सुख मिला कि हाँ मैंने इसके बारे में अपशब्द कहा। इसलिए राजा के उस अनजाने में जो पाप कर्म बना था उसका फल इस महिला के खाते में ही जाएगा। इसी घटना के कारण देखिए आजकल भी जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान, अरे ही ऐसा, अरे बड़ा दूत है बड़ा दुष्ट है कहते हैं ना, इस तरीके से किसी के पाप का बखान करते हैं बुरे भाव से, तो उस व्यक्ति के पाप का जो हिस्सा है ना वो उस बुराई करने जो उसकी बुराई कर रहा है उसके खाते में भी डाल दिया जाता है। अच्छा ठीक है तुमने बुराई करी तुम भी लो। इसीलिए तो संतों के लिए कहा गया है कि संत हंस गुण गही पय परिहरिवार विकार, संत दोष देखते नहीं है गुणों को देखते हैं, गुणों का सम्मान करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं ना हमारे जीवन में कि हम तो कोई ऐसा पाप हमसे बना नहीं, कोई ऐसा कष्ट जो हम भोग रहे हैं वो तो हमसे हुआ नहीं, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। तो ये जो कष्ट आता है ना ये कहीं और से नहीं है, ये लोगों की जो बुराई होती है और ये सब जो निंदा कभी कभार हमसे हो जाती है, तो उनके जो पाप कर्म है ना उनका कुछ भाग हमारे खाते में लिख दिया जाता है।
भाई जैसे ही आपने बुराई करी आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया, बस आपने टच किया बस बुराई और निंदा, बस उसके जो जितना भी उसको बैंक बैलेंस था पाप का, उस पाप के बैंक बैलेंस में कुछ परसेंटेज आपके खाते में ट्रांसफर हो गया। अब ये हो गया, अब ये दोनों साथ में भोगेंगे। इसलिए बहुत ही सावधान, बहुत ही विशेष रूप से सावधान है ना। काहु न कोई सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहां पे कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, न ही देने में समर्थ है। हम वो ही भोगते हैं जो हम करते हैं, ठीक है। हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, हम किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं भोग सकते, नहीं भोग सकते, नहीं भोग सकते। यदि हम दुखी हैं, हम किसी के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी प्रकार से, किसी प्रकार से हम प्रताड़ित हो रहे हैं, तो कोई ना कोई हमारा पाप कर्म बन रहा है, बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल निश्चित है। कोई ना कोई पाप हमसे बना है, इस कारण से ही हमें दोष मिल रहा है, हमें पाप लगा, उस पाप के कारण हमें ये दुख भोगना पड़ रहा है। क्योंकि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए जीवन में, समाज में जो भी नकारात्मकता आपको दिखाई दे रही है ना, जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है व्यर्थ में, उसी के ऊपर, उसके ऊपर कोई टीका, कोई टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक है। कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है जब तक कि आप उसके बारे में पूरा पूरा ठीक रूप से जानते ना हो, है ना। उस जानने में दो वस्तुएं हैं, आपके सामने जो प्रतिक्रिया हो रही है उस प्रतिक्रिया के पीछे उसका भाव क्या है, वो भी आवश्यक है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से द्वेष भक्ति भी करते हैं, कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से अतिशय प्रेम करते हैं, प्रेम में आके भगवान से लाड़ दुलार करना, भगवान के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेना, या जाओ तुम्हारा मुंह नहीं देखते हम आज का, अपना मुंह मत दिखाना, हमें भगवान से कह देते हैं नहीं मुंह देखना तुम्हारा हमें, अब तुमको यार बड़ा दुष्ट आदमी मारो उसे। नहीं नहीं वो तो भगवान का भक्त है, वो भागवत है। ये हमारी दृष्टि है जो उसे समझ नहीं पा रही, उसे पहचान नहीं पा रही है। इसलिए कभी भी किसी भी विषय पर किसी के प्रति कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले यथार्थ रूप में जो बात है, या तो उस बात को आप जानिए, उस बात को जानने की चेष्टा कीजिए। और यदि आपको लगता है कि हम उसके बारे में नहीं जान पाते, हम उसके बारे में ठीक ठीक रूप से नहीं जान सकते कि वास्तव में बात क्या है, और उसने ऐसा कहा या लिखा तो क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, तो उस वक्त व्यर्थ के वाद विवाद में पढ़ने से अच्छा है अपना भजन कीजिए। वो जो किया है वो भोग लेगा, सबका शासन भगवान करते हैं, है ना, उनके दरबार में हाजिरी सबकी लगती है, किसके कितने क्या किसने की, वहां पे सबकी हाजिरी लगती है। वो जो किया है वो बचेगा नहीं, लेकिन उसके कारण जबरदस्ती आप अपना प्रारब्ध, आप अपना भाग्य मत बिगाड़िए। जितना समय भगवान ने दिया है ना, बहुत है, भगवान की प्राप्ति के लिए उतना समय बहुत है, मतलब बहुत है। अगर आपकी आयु 90 वर्ष भगवान ने निश्चित की है, आप 89 वर्ष के भी हो गए हैं, आपके पास एक ही वर्ष रह गया, तो भी भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत है। एक महीना रह गया बहुत है, एक हफ्ता रह गया बहुत है भगवान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए बस इतना ही आवश्यक है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करिए विचार सुजन मन माही। बस इतना विचार करना है कि हाँ नाम से ये काम हो सकता है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, मेरे नाम लेते ही सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मेरा शरीर दिव्य रूप भगवत पार्षद हो जाएगा, केवल एक नाम लेते ही। नाम कैसे महिमा, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब, सारे पाप सब नष्ट कर देगा, सब कुछ समाप्त कर देगा।
नाम, बस एकमात्र नाम जब, भगवान का नाम जब, भगवान का कीर्तन, भगवान का ध्यान, तब जब आप समझ नहीं सकते स्पष्ट रूप से कि कहाँ पे क्या हमें करना है, क्योंकि बीते कुछ समय में आप लोगों की कुछ प्रतिक्रिया आई हैं कुछ वीडियो को लेकर कि इसके बारे में हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए, करना चाहिए, सब करना चाहिए। पहले उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, क्या है क्या है, क्या नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं वो उचित है या नहीं उचित है, क्योंकि चाहे आप किसी में गुण देखें चाहे दोष देखें, दोनों ही माया का ही स्वरूप है। तब तक जब तक कि आप सामने वाले में भगवत भाव नहीं रखते, हरि माया कृत दोष गुण, दोष देख रहे हैं तो भी भगवान की माया है और गुण देख रहे हैं तो भी भगवान की माया है, और दोनों ही बिनु हरि भजन न जाहि। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, नाम नहीं लोगे, राम राम नहीं करोगे, तब तक ये दोष दृष्टि नहीं जाएगी। आपको लगा है नहीं, हम तो उनके गुण ही गुण देख रहे हैं, माया है, सावधान, बिनु हरि भजन न जाएगी, भगवान के भजन के बिना वो भी नहीं जाएगी। जब भगवत भाव आ जाएगा, अरे नहीं, ये तो भगवान है, ये तो भगवान के पार्षद है, ये तो भगवान की आज्ञा से आए हैं, बस अब ठीक है, अब भाग, अब जो आपका भाव है ना, अब ये माया से बाहर का भाव है, अब ये भगवत भाव है, यहां पे ठीक है। देखिए, जब तक गुण देख रहे हैं, दोष देख रहे हैं, तब तक माया है, तब तक माया का ही क्षेत्र है। इसीलिए विशेष रूप से सावधान है ना, विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। नाम जप कीजिए, है ना, राम राम कीजिए आराम से, व्यर्थ की बात विवाद में, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ, इससे पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। अनेक जन्मों से आप यही करते आए हो, कोई नई बात नहीं है। जब राम जी थे, है ना, अयोध्या के युवराज थे, उस समय भी तो रावण था ना, रावण था, उस समय भी ब्राह्मणों की हत्या करता था, उस समय भी त्रिलोकी पर राज्य करता था, लेकिन जबरदस्ती जाके राम जी ने कहा नहीं, अरे हम युवराज, हम जाके मारेंगे उसे, नहीं, पहले निमित्त बनाया, है ना, सीता जी को निमित्त बनाया, बड़े ही हिसाब से कि कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए कि दोष रावण पे आए कि ये मेरा दोषी है, तब तो मेरा मानना इसको ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको दिख रहा है बड़ा दुष्ट है, पापी है, कोई बात नहीं, अपना हाथ में माला, मुख में नाम सीताराम, सीताराम जाने दो, तुम्हें क्या करना, पापी है, पुण्यात्मा है, तुम्हें क्या करना उसका, अपना भजन करो, शरीर मिला है भजन के लिए मिला है, देह धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काज बिहाई, सब काज छोड़ के भगवान का भजन करो। हम लोग क्या करते हैं, भगवान का भजन तो छोड़ देते हैं, बाकी जितने काम हैं फालतू के वो सब पकड़ लेते हैं, फालतू के जितने काम हैं सब पकड़ लेते हैं, भगवान का भजन ही छोड़ देते हैं बस, वो करना उल्टा है, भले ही सब छूट जाए भजन पकड़ लो। और बहुत अधिक समझाऊंगा नहीं, आप लोग समझते हैं हर बात को, लेकिन वही है कि बीच बीच में भूल जाते हैं, उसको स्मरण करवाना आवश्यक है। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।